हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 20 के क्विज को अटेंड करेंगे और उसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको दिसंबर 2019 के लिए कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्विजेस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अटेंड करने हैं सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। सो आप यहां पे हमारा डे 20 क्विज देख पा रहे हैं, सो स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे यहां से। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, व्हेन द प्रोडक्शन इज हेटरोजीनियस इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स सो दैट देयर इज होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप एंड हेटरोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप्स एंड सम आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप इट इज द केस ऑफ। सो बेसिकली यहां पे बोला गया है कि अगर होमोजेनिटी विद इन ग्रुप है और हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स है सो ये किस टाइप का केस है। सो बेसिकली यहाँ पे आप ऑप्शंस गिवन है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्टर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो देखिए, जब भी यहाँ पे कभी भी हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस ग्रुप बिटवीन और विद इन की बात की जाए सो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दैट इज इधर वो क्लस्टर होगा या इधर वो स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग होगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इधर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। सो अगर हम इसको समझें सो सबसे पहले हम स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं हम इसको समझ लेते हैं सो दैट आप इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। सो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेकेंड होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। नाउ देखिए, जो आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसके अंदर होता है होमोजीनियस विद इन ग्रुप और हेट्रोजीनियस अमंग ग्रुप्स। अगर हम क्लस्टर सैंपलिंग की बात करें सो क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर होता है होमोजीनियस अमंग ग्रुप्स। और हेट्रोजीनियस विद इन ग्रुप्स, बेसिकली यहां पे विद इन ग्रुप्स। सो ये बेसिकली आपको समझ के रखना है सो दैट आप क्वेश्चंस, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है सो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए। सबसे पहले हम समझते हैं होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। बेसिकली होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंसेस। और अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे विदिन क्या है आपका और अमंग क्या है। सो देखिए, सपोज यहाँ पे एक पॉपुलेशन है 100 पीपल्स की, इसके अंदर 100 लोग हैं। अब इस 100 लोगों के अंदर से यहाँ पे हम दो सैंपल्स ले लेते हैं, सैंपल नंबर 1 एंड सैंपल नंबर 2। और एक सैंपल के अंदर हैं 10 लोग, 10 पीपल्स। नाउ हर एक सैंपल के अंदर 10-10 लोग हैं, यहाँ पे हमने दो सैंपल लिए हैं, यहाँ पे 10 लोग इसके अंदर हैं, 10 लोग इसके अंदर हैं। देखिए, होमोजीनियस विद इन का मतलब होता है सिमिलर। सो देखिए, बेसिकली विद इन का मतलब है एक ही सैंपल के अंदर, बेसिकली यहाँ सैंपल 1 के अंदर ही विद इन, दैट इज विद इन सैंपल 1। सो विद इन सैंपल 1 अगर 10 के 10 लोग सिमिलर हैं सो बेसिकली होमोजीनियस विद इन ग्रुप होगा ये। अगर हम ये हेट्रोजीनियस अमंग ग्रुप्स की बात करें सो बेसिकली यहाँ पे सैंपल 1 और सैंपल 2 अमंग में आएंगे। बेसिकली यहाँ पे अमंग ग्रुप्स यहाँ पे जो है डिफरेंसेस हैं। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। बेसिकली अगर किसी क्लासरूम के अंदर 10 गर्ल्स हैं एंड 10 बॉयज़ हैं सो 10 गर्ल्स का एक ग्रुप बना दिया गया और 10 बॉयज़ का एक ग्रुप बना दिया गया। सो बेसिकली ये जो 10 बॉयज़ का ग्रुप है एक, ये बेसिकली होमोजीनियस विद इन ग्रुप है और हेट्रोजीनियस अमंग ग्रुप है अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की बात करें। सो यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर डिफरेंसेस हैं, दैट इज ग्रुप 1 फॉर बॉयज़ एंड ग्रुप 2 फॉर गर्ल्स। सो बेसिकली हेट्रोजीनिटी है अमंग ग्रुप्स और होमोजीनिटी है विद इन ग्रुप्स। नाउ अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें सो ये बेसिकली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। सो यहाँ पे देखिए, होमोजीनियस अमंग ग्रुप्स, बेसिकली यहाँ पे जो सैंपल 1 और सैंपल 2 के अंदर जो भी लोग होंगे वो सिमिलर होंगे, बट
हेट्रोजीनियस विद इन ग्रुप. सो बेसिकली यहाँ पे जो सैंपल वन के अंदर जो 10 लोग हैं इनके अंदर विद इन ही डिफरेंसेस होंगे काफ़ी ज़्यादा. सो बेसिकली यहाँ पे हेट्रोजीनिटी होती है विद इन ग्रुप्स. नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स और हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स. सो होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स किसके अंदर है? होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स, हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स. सो बिटवीन को आप एमंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको बिटवीन वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो ये हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स है. सो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. नाउ सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन. सो बेसिकली यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको गिवन है और आपको कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है. सो देखिए सबसे पहले हम कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के रिलेशनशिप को समझ लेते हैं. सो देखिए जो आपका कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है आर स्क्वायर. अब यहाँ पे आर क्या है? आपका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को आर से शो किया जाता है और यहाँ पे स्क्वायर, अगर हम कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर देंगे तो वो आपका कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा. अब आपको कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन गिवन है दैट इज 0.64 और ये है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर. सो अगर आपको कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है सो आप इसको इधर ले आके अंडर रूट कर देंगे. सो 0.64 का अंडर रूट होगा आपका 0.8. सो ये आपका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आ गया. नाउ अगर हम इसके अंदर ऑप्शंस देखें 0.4, 0.8, 0.08 एंड 0.04. सो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अब हम कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन को पहले एक बार समझ लेते हैं कि कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, ये क्या शो करता है. सो देखिए कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन को अभी हमने देखा कि आर स्क्वायर से शो किया जाता है. इसके अंदर होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन. सो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या है और टोटल वेरिएशन क्या है. सो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज ये ग्राफ है, यहाँ पे आपका सैलरी गिवन है और यहाँ पे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी गिवन है. नाउ देखिए यहाँ पे जो सैलरी है इसमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. बेसिकली सैलरी अगर बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है. बेसिकली यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. नाउ अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको गिवन है 0.98. दैट इज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका आ रहा है 0.98. इन दोनों के बीच में सैलरी और प्रोडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज 0.98%. अगर ये 1 होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होती, बट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी ये अलग अलग यहाँ पे वेरिएशन होंगे थोड़ी बहुत. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी अगर यहाँ पे 0.98 है तो. अगर ये 1 होता है, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका 1 होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती. सो अगर आपसे बोला गया 0.98 है सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपका क्या होगा? 0.98 का स्क्वायर. सो बेसिकली 0.98 का स्क्वायर करेंगे सो इसका आंसर आएगा 0.9604. नाउ सो 0.9604 से आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपका 0.9604 आपका शो कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे 96% वेरिएशन जो है, 96% जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है बेसिकली वो सैलरी के बढ़ने से हुई है और जो 4% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो अदर देन सैलरी इंक्रीज. बेसिकली यहाँ पे अदर वेरिएबल्स काम कर रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ा सो उससे अदर वेरिएबल्स जो इंपैक्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ प्रोडक्टिविटी को. सो ये 4% वेरिएशन एक्सप्लेन करता है. देखिए आप इसको डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से दैट इज 0.98% से, बट यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा ये आपका एक्सप्लेन वेरिएशन शो करेगा दैट इज 96.04 और टोटल वेरिएशन आपका कितना है 100%. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या शो कर रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड. सो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. सो बेसिकली यहाँ पे टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर पूछा गया. सो देखिए टाइप वन एरर और टाइप टू एरर बेसिकली यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने और एक्सेप्ट करने से होते हैं रिलेटेड. अगर हम स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर की बात करें सो ये बेसिकली कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड है. नाउ अब हम टाइप वन एरर और टाइप टू एरर को देखते हैं ये क्या होते हैं सो दैट आप इसके अंदर समझ पाएं कि इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा. देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज इधर ए और इधर बी, दैट इज टाइप वन एरर हो सकता है या टाइप टू एरर हो सकता है. सो हम इसको पहले एक बार समझ लेते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे अब हम ये समझेंगे कि टाइप वन एरर क्या होता है और टाइप टू एरर क्या होता है. सो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो हाइपोथेसिस बनते हैं इसके अंदर दो हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं हमेशा, दैट इज नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो जो नल हाइपोथेसिस होता है इसको एच जीरो या एच ओ से शो किया जाता है और ऑल्टरनेट को एच ए या एच वन से. सो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा इसके बेसिस पे आपका टाइप वन एरर और टाइप टू एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है. देखिए अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको डू नॉट एक्सेप्ट, बेसिकली यहाँ पे डू नॉट एक्सेप्ट का मतलब होता है रिजेक्ट और यहाँ पे डू नॉट रिजेक्ट दैट इज एक्सेप्ट. देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपका आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती है वो होता है डू नॉट एक्सेप्ट और डू नॉट रिजेक्ट. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको टर्मिनोलॉजी यूज करनी है ये वाली करनी है. इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे ये वर्ड्स यूज किए हैं रिजेक्ट और एक्सेप्ट. चलिए अगर आगे देखते हैं. देखिए अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, सो बेसिकली अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है सो दैट इज करेक्ट. बट अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया सो ये दैट इज टाइप वन एरर. सो ट्रू को रिजेक्ट करना, बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना दैट इज टाइप वन एरर. और यहां पे अब देखिए इसका ऑपोजिट ही होगा टाइप टू एरर. सो अगर टाइप टू एरर की बात करें तो यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना बेसिकली ये होगा आपका टाइप टू एरर. सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट, नल इज फॉल्स और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया सो आपका टाइप टू एरर हो गया. नाउ अब यहाँ पे आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. सो बेसिकली यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज टाइप वन एरर. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टाइप वन एरर, दैट इज बी. चलिए अब ये बोला गया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर टाइप वन एरर तो है बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैसे शो किया जाएगा सो इसको हम नॉर्मल कर्व के थ्रू समझते हैं. देखिए जो आपका नॉर्मल कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. यहाँ पे जो आपका रीजन होता है बेसिकली ये एक्सेप्टेंस रीजन है आपका और ये रिजेक्शन रीजन. सो बेसिकली इसको अल्फा के थ्रू शो किया जाता है. एक्सेप्टेंस रीजन हमेशा अल्फा के थ्रू शो करते हैं और रिजेक्शन रीजन हमेशा बीटा से. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका टाइप वन एरर होगा इसको अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस रीजन को रिजेक्ट कर दिया गया, दैट इज ट्रू को रिजेक्ट कर दिया गया सो यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज अल्फा के थ्रू शो की जाएगी. अगर आपका रिजेक्शन रीजन बेसिकली रिजेक्ट होने वाले को अगर यहाँ पे रिजेक्शन रीजन यहाँ पे लाई कर रहे हैं आपकी जो हाइपोथेसिस है बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया सो ये आपका रिजेक्शन रीजन के अंदर आ रहा है सो आपने फॉल्स स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया दैट इज टाइप टू एरर. सो इसको बीटा से शो किया जाएगा सो टाइप वन एरर हमेशा अल्फा से शो किया जाता है और टाइप टू एरर हमेशा बीटा से. सो दैट्स ऑल. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इन अ यूनी मॉडल एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज इज लाइक. सो बेसिकली यूनी मॉडल और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज का रिलेशनशिप कैसा होता है, बेसिकली मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है इसके अंदर. देखिए अगर हम नॉर्मल कर्व की बात करें सो नॉर्मल कर्व कुछ ऐसा होता है बेसिकली बेल शेप्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ए सिम्प्टोटिक भी कहते हैं इसे बिकॉज ये देखिए ये लाइनें कभी भी टच नहीं करती आपस में सो इसको ए सिम्प्टोटिक भी कहा जाता है. और यहाँ पे जो सेंट्रल लाइन होती है बेसिकली यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड
तीनों इक्वल होते हैं और एक ही जगह लाई करते हैं, इसको यूनी मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही मोड होता है। अगर दो मोड की बात करें तो आपका नॉर्मल कर्व, वो बेसिकली नॉर्मल कर्व रहेगा ही नहीं, बिकॉज नॉर्मल कर्व हमेशा यूनी मॉडल होता है। अगर दो मोड होंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, बेसिकली यहाँ पे आपके दो मोड आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपका मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप लाई नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 पॉपुलेशन, डेटा हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम 10% ऑफ देम। द अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर डेटा कलेक्शन वुड बी। सो बेसिकली यहाँ पे इलिटरेट पॉपुलेशन है 10,000 की, इसके अंदर से आपको 10% का डेटा कलेक्ट करना है। सो यहाँ पे कौन सा टेक्निक आप यूज करेंगे? सो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दैट इज क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली क्वेश्चनेयर के अंदर हम प्रिंटेड फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बेसिकली रिस्पोंडेंट को आंसर करना होता है उस क्वेश्चंस का। सो इलिटरेट पीपल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। नाउ सो आपका जो करेक्ट, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज इनकरेक्ट। अगर हम शेड्यूल की बात करें, सो आप इलिटरेट पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करने के लिए शेड्यूलिंग नहीं कर सकते, दैट इज प्लानिंग नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट होगा आपका। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, सो बेसिकली आपको इलिटरेट पॉपुलेशन से कभी भी डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू करना पड़ेगा, दैट इज प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज हमने डे 20 के क्विज के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को अटेंड किया, और फर्दर वीडियोस के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको दिसंबर 2019 के लिए कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है, सो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।